वेलकम बैक टू आवर चैनल साधना संजीव व्लॉग्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप देखोगे शॉपिंग और साथ में विक्रम आदित्य का टिला देखेंगे आप लोग, और यहाँ पे मौसम भी देखेंगे, बदलता मौसम। अभी बहुत ज्यादा धूप है, फिर उसके बाद इतना प्यारा मौसम हो गया था, तो ये सब देखिए। ये मैं अपने रूम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, जो होटल में हमने रूम बुक करके रखा हुआ था। तो चलो चलते हैं और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लाइक करिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल साधना संजीव व्लॉग्स। तो आज है हमारा उज्जैन में सेकेंड डे और हम लोग आज आए हैं शॉपिंग करने के लिए। आज यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, कल का मौसम काफी अच्छा था लेकिन यहाँ पे आज गर्मी है और आज भीड़ भी बहुत कम है क्योंकि आज सोमवार नहीं है, मंगलवार है और सोमवार को ज्यादातर लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो कल थोड़ी भीड़ भी थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, इंद्रदेव और सूर्यदेव बहुत प्रसन्न थे कल। तो चलिए आज हम आपको शॉपिंग के दर्शन कराते हैं, चलो। आज का दिन हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। तो देखिए बैक कैमरा से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। तो बस हम लोग उसी रास्ते से आए हैं जहाँ से ज्योतिर्लिंग जाने का रास्ता है। देखिए महाकाल का ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि 2028 तक कंप्लीट होगा और पूरा महादेव नगर नगरी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बदलने वाला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से हम लेंगे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लहठी, जो भी हमें मिलेगा। और यहाँ पे हम महाकाल का ये ले रहे हैं चंदन लगाने वाला। ये महाकाल वाला देखिए, ये वही है ना जो हम लोगों को लगाया था, ये गोल्डी की 20 की, बड़े बड़े 30 के, इसका 50 का तो ये 30 रुपए के, सब कोई से भी लो, ये गोल्डी की खाली 20 का। चलो 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 चलो। ये देखिए रंगोली बनाने का आर्ट, कितने के ये रंगोली वाले? ये सब कितने के हैं? 10 रुपए के। ये देखिए 10-10 रुपए के हैं। यहाँ पे आप अपने हाथ की रेखाओं का भी दिखा सकते हैं, ज्योतिष विद्या उधर से लेके आते हैं, यहाँ से फूल फोटोज ये सब ले सकते हो। हम लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी महाकाल की फोटोज ली हैं जो हम अपने रूम में लगाएंगे, मंदिर में लगाएंगे। काफी अच्छी बड़ी बड़ी एकदम सिंगार दर्शन करते हुए महाकाल की फोटोज ली है। उज्जैन से हम जा तो रहे हैं लेकिन अपने महाकाल को अपने साथ ले जा रहे हैं, अपने दिल में बसा के ले जा रहे हैं। हम उज्जैन से जा रहे हैं लेकिन महाकाल हमारे अंदर से कभी नहीं जाएंगे। ये सिक्के हैं छल्ले वाले। यहाँ से कुछ भी लो 30 रुपए का, झुमके वगैरह कुछ भी। ये दे दो मुझे एक, ये दे दो, ये भी 30 का है, ये दो दे दो। ये देखिए ये है विक्रम आदित्य का टीला टीला। ये देखिए विक्रम आदित्य का टीला,
आप सबको पता होगा विक्रम आदित्य को नौ रत्नों की शक्तियां प्राप्त थी और वहीं पे लगता था उनका नौ रत्नों का दरबार। ये देखिए पुराने टाइम के नौ, ये देखिए देखिए पुराने टाइप्स के नाव यहाँ पे पड़े हुए हैं टूट टूट के, जो नीचे ऐसे ये जो ड्राम होता है उसको लगा के फिर उसके बाद इस नाव को बनाया जाता था। ये देख सकते हो विक्रमादित्य का झंडा, ये उनका टीला है और नौ रत्नों का उनका वहाँ पे दरबार लगता था। सब लोग इस इतिहास को तो जानते ही होंगे और वहाँ है हमारे महाकाल की नगरी, महाकाल का मंदिर, महाकालेश्वर दरबार। इतिहास हुआ है सिंहासन 32 और बेताल 25 की जग प्रसिद्ध कथा है, महाराज विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती है। भारत के कई राज्यों में विक्रमादित्य को अपना आदर्श माना और उनके नाम को उपाधि की तरह धारण किया है। विक्रमादित्य टीला ये हमारे YouTube पार्टनर यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। ये देखिए आकृतियाँ जो विक्रमादित्य के दिनचर्या को दर्शाती हैं। घुड़सवारी, हाथी सवारी, इन सब का विक्रमादित्य को काफी ज्यादा शौक था। सूर्यदेव, नवरत्न, देखिए विजय यात्रा उनकी हुई थी, विक्रमादित्य की विजय यात्रा, उनका नवरत्न चक्र। शिप्पा माया, शिप्रा माया, काल चक्र का थान, मत्स्यम कुमार, इनके बारे में तो सभी विख्यात होंगे। ये है काम ध्वजा, सुखाशी, चंद्रिका, जनमोहिनी, मधुप्रिया, और वहां विराजमान है विक्रमादित्य। नरमोहिनी, विजय, बोधवाती, पद्मवाती, शुक्रिया, हरी मध्य, इंद्रमुति, 32 पुतलियां हैं जो विक्रमादित्य के सिंहासन की थी। ये देखिए 32 स्टैचू ऑफ विक्रमादित्य थ्रोन। विक्रमादित्य के नवरत्न सबसे पहले कशपंक, कशपक पंख नवरत्न
जो इनके दरबार में रहते थे, घाट खपर। ये घाट खपर जी हैं, ये वर रुचि ये है वर हमीहर, ये विक्रमादित्य महाराज। ये देखिए एक और रत्न कालिदास। आप लोगों ने स्टोरी सुनी विक्रम और बेताल और वो देखिए उनके एक और रत्न थे बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंखु और धनावती। और ये महाराज विक्रमादित्य जो कि उज्जैन साम्राज्य के राजा थे, महाराज थे विक्रमादित्य जी। यहाँ का मौसम आप देख सकते हो कितना सुहाना हो गया है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:22 और मौसम देखिए बहुत ही प्यारा हो रखा है। बहुत ठंडक है, बहुत छाव है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। थोड़ी देर पहले धूप थी लेकिन अभी ठीक हो गया है मौसम। और महाकाल के भक्त अभी आ रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए सब लोग। हम लोगों ने कल ही दर्शन कर लिया था और आज शॉपिंग कर ली है, जैसे कि सिंदूर बिंदी, फोटो फ्रेम्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह जो हमें पसंद आई वो सब हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है। तो आप लोग भी आओ, महाकाल का बुलावा आएगा तो आप लोग भी जरूर आओगे यहाँ पे हमारी तरह। ये देखिए महाकाल का मंदिर। जय श्री महाकाल। ये देखिए मौसम। चलिए अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सामान वगैरह पैक करना है, ठीक से रखना है और बस निकलना है अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक बहुत अच्छे नेक्स्ट ट्रिप के साथ जो कि है मथुरा जी वृंदावन का। जय श्री कृष्णा, बाय बाय। ये कुल्फी पार्टी हम लोगों ने खा लिया है, ये खा रहा है और ये खा रहा है, हम लोगों ने खा लिया है और पापा भी खा रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन महाकाल हमारे अंदर से नहीं जाएंगे, कभी भी हमारे दिल में ही रहेंगे। तो बाय बाय उज्जैन, फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द आएंगे दोबारा यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जा रहे हैं आप? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? आज जा रहे हैं आप, फिर आएंगे, महादेव बुलाएंगे, फिर हमें महादेव बुलाएंगे और हम जरूर आएंगे यहाँ पे। और अब जा रहे हैं हम मथुरा जी वृंदावन। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, हाँ कृष्णा पैदा हो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलो अब जन्म हुआ था, चलिए अब चलते हैं हम मथुरा वृंदावन।